प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं यदि आप रमजान के दिन में किसी मुसलमान को खाते या पीते देखें तो आप पर उसको सूचित करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है, तो क्या यह बात सही है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। जो व्यक्ति किसी मुसलमान को रमजान के दिन में खाते हुए या पीते हुए या रोज़ा तोड़ने वाली किसी भी चीज़ का सेवन करते हुए देखे तो उस पर उस आदमी को टोकना अनिवार्य है क्योंकि रमजान के दिन में इसका प्रदर्शन करना एक मुनकर अर्थात बुराई का काम है, भले ही वह व्यक्ति वास्तव में माजूर हो, ताकि लोग भूल का दावा करके और बहाना बना करके रोज़े के दिन में अल्लाह ताला की हराम की हुई रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का खुला प्रदर्शन करने पर निडर न हो जाए। यदि इसका प्रदर्शन करने वाला अपने भूल के दावे में सच्चा है तो उस पर कज़ा नहीं है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस व्यक्ति ने रोज़े की हालत में भूल कर खा लिया या पी लिया तो वह अपना रोज़ा पूरा करे क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। इसी तरह यात्री के लिए भी यह उचित नहीं है कि वह निवासी लोगों के बीच जो उसकी स्थिति को नहीं जानते हैं रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का प्रदर्शन करे, बल्कि उसे चाहिए कि उसे गुप्त रखे ताकि उस पर अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ के सेवन करने का आरोप न लगाया जाए और ताकि उसके अलावा दूसरे लोग भी ऐसा करने का साहस न करें। इसी प्रकार काफिरों को भी मुसलमानों के बीच खुले आम खाने पीने इत्यादि से रोका जाएगा ताकि इस विषय में लापरवाही का द्वार बंद हो जाए, और इसलिए भी कि उनके लिए मुसलमानों के बीच अपने भ्रष्ट धर्म का प्रदर्शन करना वर्जित और निषिद्ध है और अल्लाह ताला ही तौफीक प्रदान करने वाला है।